नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनिर्बान बिस्वास है। मैं एक पेशे से डायबिटोलॉजिस्ट हूँ और साउथ दिल्ली में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, आज हम डायबिटीज़ के निदान या उसके ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। डायबिटीज़ एक बहुत गंभीर समस्या है और आज की डेट में लगभग हर 4 में से एक व्यक्ति को डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ है और ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। तो ट्रीटमेंट हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक है लाइफस्टाइल और दूसरा है मेडिकेशन। तो डायबिटीज़ जो ख़ास तौर पे टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसमें इंसुलिन बनता है लेकिन वो फंक्शनली उतना एक्टिव नहीं रहता, इसकी वजह से हमारी पैनक्रियाज बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनाती है, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये एक लाइफस्टाइल बीमारी ज़्यादा है और इसे हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम अपने खानपान में और हमारे रहन सहन में चेंजेस लाएँ। तो सबसे पहला इसमें है कि हमारे डाइट में, तो हमारी डाइट या हमारे खानपान में हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे शक्कर वगैरह की जगह हमें कोर्स कार्बोहाइड्रेट या फिर मतलब जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जैसे अनाज हो गए, मोटे अनाज हो गए, उसमें कन्वर्ट करना चाहिए। साथ ही हमें जो जंक फूड है या पैकेज्ड फूड है उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए और शुगर तो बिल्कुल ही, शुगर या शक्कर बिल्कुल नहीं सेवन करना चाहिए। सेकेंड नंबर पे आता है एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग या जो भी एक्सरसाइज हम करना चाहते हैं या कोई स्पोर्ट्स हम कर सकते हैं जिससे हम अपने बॉडी को तंदुरुस्त रखते हैं। इससे दो फायदे होते हैं, हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, दूसरा हमारे बॉडी का वेट कम होता है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में फैट डिपॉजिट्स कम होते हैं और इन दोनों ही कारण से हमारी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हमें मदद मिलती है। जो लोग किसी कारण से ज़्यादा चल फिर नहीं सकते हैं वो एक्सरसाइज की जगह योगा या मेडिटेशन या ताई ची या ऐसे कोई और साधन का भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसे हम कहते हैं आज की डेट में जो युग है हमारा वो काफ़ी तनावग्रस्त है। हमारे युवाओं से लेके हर पीढ़ी के लोग काफ़ी तनाव से ग्रसित हैं, तो अगर हम तनाव को कंट्रोल करें तो इससे भी हमें डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। अब आते हैं दोस्तों मेडिसिंस पे। तो मेडिसिंस में दो तरह के मेडिसिंस होते हैं, एक होती है ओरल मेडिसिंस जो हम गोली के रूप में लेते हैं, तो इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो मैं किसी और वीडियो में विस्तार से आपको बताऊंगा। बट जनरली टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है, जो एडल्ट्स में होता है, उसमें हम गोलियों के द्वारा डायबिटीज़ को मैनेज करते हैं और इसमें पेशेंट्स को डॉक्टर की सलाह के हिसाब से दिन में एक बार या उससे ज़्यादा बार दवाई लेनी पड़ती है। साथ ही हमारे शुगर को मॉनिटर करना पड़ता है जिससे हम अपने डायबिटीज़ को बड़े आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिसिंस के साथ साथ ही आप जो पहले बताए हुए स्टेप है जिसमें एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे हमें मेडिसिंस की संख्या या उसकी खुराक कम लेनी पड़ती है। अब आते हैं इंसुलिन पे। तो इंसुलिन जनरली टाइप 1 डायबिटीज़ जो बच्चों में होता है उनमें मुख्यता दी जाती है। किसी किसी कारण में ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज होते हैं उनमें लेटर स्टेज में देने की ज़रूरत पड़ती है जब दवाइयाँ काम नहीं करती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स होते हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मतलब वो थक जाते हैं और वो इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं। तो अक्सर ऐसे केसेस में आफ्टर से 5 साल, 10 साल, 15 साल टाइप 2 डायबिटीज़ में रहने के बाद किसी किसी मरीज को इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है या हो सकती है। तो इसके बारे में भी मैं आगे आने वाले एक वीडियो में विस्तार से चर्चा करूँगा। उम्मीद है डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट संबंधी ये वीडियो आपको जानकारी वाला लगा होगा और इससे आपको कुछ अहम जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमें प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।